ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब भी प्रदेश की सीएम जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है, तब तब ही इसके विरोध में कुछ संगठन उतरे हैं। अब एक बार फिर से वल में बनने जा रहे एयरपोर्ट के विरोध में संगठन अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इसी के चलते मंडी में बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश की सीएम को बल में बड़ा हवाई अड्डा न बनवाने की मांग उठाई है। मंडी जिला के बल में बनाए जाने वाले एयरपोर्ट के विरोध में संगठन अपनी आवाज बुलंद करने लग पड़े हैं। मंडी के बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बल में बड़ा हवाई अड्डा ना बनाने की मांग की है। इसके लिए समिति ने एक मांग पत्र एडीएम मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। मांग पत्र के माध्यम से बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने सरकार से बल घाटी को बचाने का आग्रह भी किया है। समिति का तर्क है कि बल कृषि व व्यापारिक स्थिति के लिए माना जाता है और ऐसे में यहाँ की जमीन पर हवाई अड्डा बनने से लोग विस्थापित होंगे तो वहीं बल की उपजाऊ भूमि भी नष्ट हो जाएगी। समिति के अनुसार जिस स्थान पर एयरपोर्ट बनाने के लिए चुना गया है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है और ऐसे में लोगों को अपनी जमीन और घरों से हाथ धोना पड़ेगा। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि मिनी पंजाब की सुंदरता बचाई जानी चाहिए और किसी अन्य स्थान पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के अनुसार मंडी जिला के बल में शुरुआत से ही वे एयरपोर्ट का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। समिति के अनुसार एयरपोर्ट बनाने की योजना के बाद बल के किसानों में सरकार के प्रति रोष है और जो कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है। बल किसान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आज हमने एक मेमोरेंडम एडीएम के माध्यम से जिला मंडी को दिया और उसमें हमने मांग की कि पिछले दो साल से हम जो है ये जो मंडी के अंदर जो है एक तरफा जो है एयरपोर्ट बनाने का जो सपना सजोया गया है सरकार द्वारा, उस सपने के बारे में जो है बल के लोगों को जो है एक तरफ फैसला जो सुनाया जा रहा है कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहे हैं, जबकि वहाँ पे जो यथागत स्थिति है, जो वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे 3500 बीघे ज़मीन, वो जो फर्टाइल लैंड है, उस ज़मीन का एवज में कोई भी जो है वो बातचीत नहीं की जा रही कि उसका क्या होगा, कि वहाँ पे जो 1500 लोग प्रभावित होंगे और आज की डेट में कम से कम 2000 और लोग प्रभावित होने वाले हैं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिर उसके बाद जो 2013 एक्ट है उसको लागू करने की बात नहीं हो रही है कि 4 गुना मिलेगा वहाँ पे, या वहाँ पे जो सबसे लोस्ट रेट है वो जो है कुमी टावा द्वारा ये जो कहते हैं ढाबण, ये जो भौर कनैड और इसके अलावा डिनक में जो गांव जाने वाले हैं उन लोगों को जो रेट है सर्कल रेट वो सबसे कम रेट है, तो वो तो उनकी जो ज़मीन जाने वाली है वो ज़मीन जो है वो 2 लाख रुपये कहते हैं बिस्वा के हिसाब से जाने वाली है और उसके हिसाब से जो है वहाँ पे लोगों को जो फर्टाइल लैंड है जो बाजार रेट है वो बहुत भारी है।